Hello YouTube family, welcome to Biker Dad Live. So yes, I am here at the iconic Royal Enfield Classic 350 launch. So it's one of the most awaited bikes here in India, and we have a young guy here. Hi, kaise ho? Huh? Video? Okay. So we had a young follower here of Royal Enfield. It's a much awaited bike by Royal Enfield, and I've heard it has the same dynamics of the earlier Classic 350, but it is actually a completely different bike altogether. So let's go and check it out. Ladies and gentlemen, without further ado, the Royal Enfield brings to you the all-new Classic. तो यस, फाइनली हमारी बाइक हमारे सामने आ गई है, और ये जैसे आप लोग देख रहे हो, दिस इज़ द क्लासिक 350, द 2021 मॉडल दैट इज़। थोड़ा लेट हो गया इसका मुझे राइड रिव्यू करने के लिए, क्योंकि थोड़ा रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए, बट एनी विच वेज देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, अभी रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी ध्यान दिया है कि इसका जो रेट्रो लुक है वो खो नहीं जाए, क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न डे बाइक है, लेकिन दिखने में ये पुरानी वाली जो 350 है वैसे ही दिखती है। रॉयल एनफील्ड का जो 120 ईयर ओल्ड जो लेगेसी है वो उन्होंने कायम रखा है इसमें। रॉयल एनफील्ड के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है इस बात पे कि जो इसका रेट्रो लुक है, जैसे आप देखोगे पूरे जो बल्ब्स है ये नॉर्मल बल्ब्स यूज़ किए हैं, कहाँ पर भी आपको LEDs नहीं दिखेंगे। जो आगे का पोर्शन है जिसे हम ये खोपड़ी कहते हैं, वो भी अभी इंटैक्ट है इस वाले मॉडल में 2021 में। जो मडगार्ड है वो भी पूरा मेटल में है। यहाँ पर वापस जो दिए हुए है काफ़ी स्टर्डी है। जो साइड इंडिकेटर्स है वो भी नॉर्मल बल्ब है इसमें। सॉरी थोड़ी मैली हो गई है, क्योंकि बस अभी मैं एक राइड लेके आया, उसका वीडियो भी आपको इसमें देखने मिलेगा। सीट्स भी है, काफ़ी कुशनिंग बेटर कर दिया है कम्पेयर टू दी अर्लियर वन। क्लासिक 350 जो है ये मीटियोर के ही मॉडल पे बनी हुई है, जहाँ पर जे प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखोगे, यू कैन सी द मेंशनिंग ऑफ दैट कि ये J1349 प्लेटफॉर्म पे बनी गई है। मेरा जो कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन द क्लासिक 350 और द मीटियोर 350, वो भी आएगा इस वीडियो के बाद, तो वो भी देखिए आप लोग बिना भूले। तो अगर स्पीडोमीटर देखोगे आप, तो ये एनालॉग तो है ही, पहले वाला जिसमें आपको गियर रेशियोज वगैरह सारे दिखने मिल रहे। ABS है इसमें, जो कि बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, और टाइम एनालॉग है, और ऑब्वियसली जो फ्यूल है इंडिकेटर वो भी दिया हुआ है। फिलहाल इकोनॉमी मोड पे चल रही है। तो ये जो डिजिटल मीटर दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी नाइस, सो दैट्स अ ग्रेट मूव अगेन बाय रॉयल एनफील्ड। तो इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है कि इसका जो क्लासिक लुक है, रेट्रो लुक है, वो खो नहीं जाए, क्योंकि इसका नाम ही क्लासिक 350 है। बट बिलीव मी गाइस, ये एक मॉडर्न ईरा की मोटरसाइकिल है। काफ़ी रिफाइनमेंट हो गई है इसमें कंपेयर टू द अर्लियर मॉडल। तो जैसे आप लोग अभी देख रहे हो, मैं इसका टॉगल जो है वो चेंज कर रहा हूँ। अभी दे रही है 35.1 किलोमीटर्स,
ये ट्रिप वन है, ट्रिप टू है, और ये अगेन वापस जो बता रहा है इसको, जो टाइम बता रहा है अभी हमें, तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं अभी क्या जादू दिखाती है ये बाइक। अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टार्ट और स्टॉप और किल का जो स्विच है वो भी चेंज कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने। अच्छा है, क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है मुझे इसकी, दोनों साइड पे जो है स्विचेस वो चेंज कर दिए हैं। तो अभी सुनेंगे इसका थंप कैसे लग रहा है आपको, आप बताइए कमेंट करके कि इसका जो थंप है आपको पहले वाला जो 350 है वो वाला ज़्यादा पसंद है या फिर ये वाली जो 350 है इसका ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके बताइए। तो यस, आप सही पहचाने, मैं कर रहा हूँ राइड रिव्यू ऑफ द क्लासिक 350 2021 मॉडल। काफ़ी बेहतरीन है इसका जो एक्चुअल फीलिंग है जब इसके ऊपर मैं बैठ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल है मेरे लिए, जिस हिसाब से मैं अभी बैठा हूँ बहुत ही बेहतरीन। रेयर व्यू मिरर्स भी ठीक है, थोड़े छोटे हैं बट मैनेजेबल है। और अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, 80 के स्पीड पर तक मुझे बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही है, नहीं तो जो पहली वाली इसकी ओल्डर जनरेशन थ्री क्लासिक 350 वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती थी और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते थे उस पर। गियर्स थोड़े से हार्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से नई मोटरसाइकिल है इसीलिए गियर्स थोड़े हार्ड है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है कंपेयर टू द अर्लियर मॉडल, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ध्यान दिया है रॉयल एनफील्ड ने, क्योंकि बहुत लोग इस बाइक को लेकर बहुत लॉन्ग रूट्स करेंगे, उसी के कारण कंपनी ने ध्यान रखा है कि सीटिंग पे बहुत ही बढ़िया कुशनिंग दिया गया है। ब्रेकिंग का अगर मैं बताऊँ तो ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है, अगर आप बताओगे तो ब्रेक पावर भी ठीक ठाक है। इस सेगमेंट में जो ये बाइक्स है उसके कंपैरिजन में अच्छी ब्रेकिंग है इसमें। तो इसका टॉप स्पीड चेक करते हैं हम, 80 पे पहुंच गया हूं मैं, अब तक तो वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है, और अब 100 पे भी पहुंच गया हूं, 100 पे बिल्कुल वाइब्रेशंस, हल्की हल्की वाइब्रेशंस है 100 पे, लेकिन स्टिल पहले वाले से तो बहुत ही कंफर्टेबल है। पहली वाली बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी इसका जो अर्लियर मॉडल है। जो इसकी टैंक कैपेसिटी है वो भी आई थिंक अराउंड 13 लीटर्स है, मेरे पैर अच्छे से जकड़ के रखे हैं टैंक को, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टैंक ज़्यादा बड़ी नहीं है, कम्फर्टेबल है काफ़ी बैठने के लिए। अच्छी कमांडिंग पोजीशन है इसकी राइडिंग के टाइम पे, अगर आप देखोगे आप साइड में अगर दूसरे गाड़ियाँ पास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे बैठा हूँ। तो थोड़ी बारिश लगी हमें यहाँ पर, टायर्स भी काफ़ी ठीक ठाक है, मुझे डिसेंट ग्रिप दे रही है रोड्स पे, टर्निंग रेडियस भी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है टर्निंग रेडियस में। बहुत ही अमेज करती है मुझे ये बात कि रॉयल एनफील्ड ने जो लुक है वो रेट्रो दिया हुआ है, लेकिन मोटरसाइकिल ये जो है ये काफ़ी चेंज कर दी है अंदर से, इसके जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरे चेंज कर दिए हैं और काफ़ी मॉडर्न डे मोटरसाइकिल कर दी है विदाउट एनी वाइब्रेशंस। दैट इज़ पता नहीं अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी, क्योंकि बहुत लोग रॉयल एनफील्ड लेते हैं वाइब्रेशंस के लिए, उनको वो जो धक धक वाली फीलिंग है वो अगर नहीं मिलती तब तक उनको रात को नींद नहीं आती। न्यू एरा का ध्यान देते हुए ये वाली मशीन बनाई गई है, तो दैट्स अ थम्स अप फ्रॉम बाइकर डॉट लाइफ। और जैसे आप देख रहे हो खड्डों में बिना कुछ इश्यू के ये क्लासिक 350 जा रही है, तो परफेक्ट बनी गई है फॉर ऑफ रोड कंडीशंस। आप अगर लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो कोई भी इशू नहीं होगी, आराम से निकल जाएगी, काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है, कहीं पर भी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिक्कत हो रही है इसको ले जाने में। तो
ये रहा रिव्यू बाइकर डैड लाइफ का ऑफ द रॉयल एनफील्ड 2021 क्लासिक 350। बहुत ही बढ़िया मशीन लगी मुझे, काफ़ी रिफाइंड है कम्पेयर टू द अर्लियर रॉयल एनफील्ड, और अ कम्प्लीट थम्स अप फ्रॉम माई एंड, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ कि बाइक काफ़ी साइलेंट होनी चाहिए और काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए, और ये जो मशीन है वही करती है। काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी रिफाइंड हो गई है, काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी लॉन्ग टूरिंग पे भी आपको वो धक धक नहीं फील होगा। मे बी कुछ लोगों के लिए ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग रॉयल एनफील्ड खरीदते ही है वो धक धक के लिए, बट फॉर पीपल लाइक मी दिस इज़ द परफेक्ट चॉइस। तो होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर डैड लाइफ, देयर इज अ डबल ए इन बिटवीन, वो मत भूलिएगा। तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए मुझे, काफ़ी सारी मेरे जो अपडेट्स है वो वहाँ पर आएंगे, आपको देखने मिलेंगे। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, नेम इज़ द सेम बाइकर डैड लाइफ। और जैसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए वैसे ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरे वहाँ पर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ, मिलते रहेगा आपका दोस्त, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।